नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। चलिए बात कर ली जाए कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो सुमन इन तौरी की, जिसका एक नया प्रोमो सामने आ रहा है, जिस प्रोमो में लग रहा है कि तीत का सच शायद इस बार सुमन के सामने आ जाए, उसके वो सारे राज खुल जाएं जो राज उसने सुमन से अब तक छुपा के रखे हैं। फिलहाल सुमन इंदौरी की कहानी का जो रीसेंट टैक है वो क्या कहता है, उस टैक में मीडिया आने वाली है। मीडिया के सामने सुमन देविका को सबक सिखाने वाली है। देविका जिसने सुमन के पूरे परिवार की इंसल्ट की, बेइज्जती की, उन सब से उनका बेइज्जती का बदला मीडिया के सामने लेगी और देविका का सारा प्लान उस पर ही उल्टा भारी पड़ जाने वाला है। लेकिन इसके बाद जो है देविका गुस्से में पागल हो जाएगी और सुमन से अपना बदला लेने के लिए हर वो हद पार करेगी जो वो कर सकती है। ऐसे में अब कहानी में आके आप लोग यही दिलचस्प ट्विस्ट देखने वाले हैं कि चाट वाली कहकर जब यहाँ पर चुढ़ाती है देविका सुमन को और उसके पूरे परिवार वालों को नीचा दिखाती है, तो यहाँ पर सुमन देविका को ज्ञान देती है कि छोटा सोच, छोटी नौकरी, जो छोटे लोग होते हैं ना वो लोग छोटे नहीं होते, उनका दिमाग बहुत तेज होता है और उनकी इज्जत भी काफ़ी ज़्यादा ऊंची होती है। लेकिन जो छोटी सोच है ना वो आपकी है, लोग तो छोटे होते ही हैं लेकिन आपकी सोच ही छोटी है बड़े होने के बावजूद भी, तो आपको उसको सीखना चाहिए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखा दूंगी। ऐसे में जो देविका है वो सुमन पर चढ़ भिड़ने को तैयार होती है, उससे लड़ने को तैयार हो जाती है और उसे काफी भला बुरा कहती है जब सुमन देविका को टॉन्ट मारती है। ऐसे में आ जाता है तीर्थ बीच में और कहता है कि खबरदार भाभी, अगर आपने मेरी सुमन जी को, मेरी पत्नी से कुछ भी ऊंची आवाज में बात किया, कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा क्योंकि सुमन मेरी पत्नी है। और ऐसे में जो तीर्थ है उस पर दाव खेलती है अपना देविका और कहती है कि वाह तीर्थ भैया, अब तो आप इतना भी झूठ मत बोलिए, आज तो सच बता ही दीजिए कि कौन सी पत्नी और कैसी पत्नी और कितने दिन का रिश्ता है, झूठी शादी, झूठा दिखावा, इन सब का राज राज खोल दीजिए। जहाँ पर सुमन भी बहुत शॉक हो जाती है और बात करती है तीर्थ से, कहती है कि कौन से सच की बात कर रही है देविका भाभी, कौन सा झूठ आप उससे छिपा रही हैं। ऐसे में अब तीर्थ क्या जवाब देगा देखेंगे आगे आने वाले ट्रैक में। पर आपको कैसा लगा ये प्रोमो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।